हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ ये साल 2022 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए और आपने जो भी गोल सेट किया है आप उसको 100% ज़रूर अचीव करें। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों की तरफ से ही कमेंट आई है कि बोध ग्रुप देने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। बोध ग्रुप देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जब प्लेसमेंट पे जाते हो तो आपको प्लेसमेंट पे रैंकिंग के आधार पे वेटेज मिलता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है जो आप बोध ग्रुप से ले सकते हो। दूसरा फ़ायदा इंटरव्यूअर आपको देता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो इंटरव्यूअर आपको रैंकिंग के आधार पे वेटेज देता है। थर्ड फायदा, फाइनल में आप एक साथ बोध ग्रुप देते हैं तो ग्रुप 3 और 4 में कुछ पेपर कॉमन होते हैं जिसके वजह से आपका टाइम कम कंज्यूम होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि बोध ग्रुप एक साथ देने से हमें सब्जेक्ट वाइज क्या फ़ायदे मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ग्रुप 3 में आपका 4 पेपर है और ग्रुप 4 में आपका 4 पेपर है। अगर आप सिंगल सिंगल पेपर देते हो तो आपको ग्रुप 3 में ये वाला पेपर अलग से पढ़ना पड़ेगा, मतलब पेपर 15, और ग्रुप 4 में आपको पेपर 20 अलग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों ग्रुप आप एक साथ देते हो, ये प्लस ये ग्रुप आप दोनों एक साथ देते हो, ये दोनों पेपर आप एक ही बार में एक बार स्टडी करोगे तो दोनों ग्रुप में आपको फायदा मिलेगा। इसका मतलब आप मेंटली टोटल 7 पेपर की तैयारी करोगे। एक पेपर की तैयारी आपको कम करनी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों पेपर जो है आपका सेम होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और समय के साथ साथ बोध ग्रुप देने से आपको एक ये भी पता है कि रैंकिंग आती है, आपकी रैंक में नाम आने की संभावना ज़्यादा होती है। अगला फायदा आपको मार्क्स से मिलता है। मान लीजिए किसी एक ग्रुप में आपको कम मार्क्स मिले हैं तो बोध ग्रुप देने से आपको एग्रीगेट में वो मार्क्स एडजस्ट हो जाते हैं। आप आगे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हम सबको पता है कि ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 फाइनल के दोनों मिला के आपको एग्रीगेट मार्क्स अगर बोध ग्रुप एक साथ देते हो तो आपको सिर्फ 400 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने सिंगल ग्रुप दिया और आपको टोटल 190 मार्क्स मिले तो इसका मतलब आप फेल। लेकिन अगर आप दोनों ग्रुप देते हो एक साथ, दोनों ग्रुप आप एक साथ देते हो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको 190 मार्क्स मिले हैं, यहाँ पे आपको 220 मार्क्स मिले हैं, तो इस 220 मार्क्स से आपको यहाँ पे 10 मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और आपका इस वाले ग्रुप में 200 पूरा हो जाएगा, ठीक है। 190 10 प्लस 200 आपका टोटल बना इस वाले ग्रुप में 220 मार्क्स, इस वाले ग्रुप में 190 मार्क्स, दैट मींस आपका टोटल बन गया 410 मार्क्स। आप इस तरह से एग्रीगेट में अगर आप बोध ग्रुप देते हो तो आप पास हो जाते हो। तो ये तो आपके मार्क्स वाइज फायदे होते हैं कि आपके बोध ग्रुप देने से आपको ये फायदा मिलेगा, क्योंकि सिंगल ग्रुप देने से अगर 10 मार्क्स भी कम हो जाते हैं आपके, मान लीजिए एक में 40 मिला आपको, बाकी में 50-50 मिला, 190 मार्क्स आपको मिला, लेकिन होने चाहिए थे यहाँ पे 200 मार्क्स, लेकिन आप 190 मार्क्स की वजह से आपका ये ग्रुप आपका फेल हो जाएगा अगर सिंगल दोगे।
लेकिन अगर दोनों ग्रुप एक साथ देते हो तो एग्रीगेट में आपका 10 मार्क्स यहाँ से क्रेडिट फॉरवर्ड हो जाएगा और टोटल में आपको 410 मार्क्स मिलेंगे और आप पास हो जाओगे। ये बेनिफिट होता है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करके रिवॉर्ड दे सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।